गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करें देखें तो कह रहा है विच इज़ ग्रेटर। ये सिंपल सी बात है, ये सब हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि वन और टू में कंपेयर करते हैं, बोलते हैं कौन बड़ा है, तो हम लोग बोलते हैं टू बड़ा है। अगर मैं बोलूँ 11 और 13 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे 13 बड़ा है। लेकिन हम लोग देखते कैसे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं 1, इस साइड भी कितना है 1, दोनों साइड 1 1 था। अब यहाँ मैंने कितने लिख दिया 1, इधर लिख दिया 3, 1 बड़ा होता है कि 3, 3 बड़ा होता है तो ये बड़ा हो जाएगा। अब मैं बात करूँ 6 ये, और यहाँ लिखूँ 8, फिर पहले हमने क्या देखेंगे 5, इस साइड भी 5, फिर 6, इस साइड भी 6, यहाँ 4, यहाँ पे को 8, तो हम लोग बोल देते हैं याला साइड बड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर ऐसे हो कोई फिगर, यहाँ को 58 लिखा है, यहाँ पे को 9 लिखा है, ये तो हमें देखते समझ में आ रहा है कि इसमें दो नंबर्स हैं, इसमें तीन नंबर्स हैं, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 3 डिजिट वाला बड़ा हो जाएगा, सिंपल है। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं अब आगे को, जो हम लोग ये डेसिमल वाले करेंगे, ये आपके लिए डेसिमल कुछ नया जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये भी सेम जैसे हम लोग नंबर्स करते थे, कौन कंपेयर करते थे उनको, सेम वैसे ही कंपेयर होना है। देखो सबसे पहले 0 है, इस साइड भी 0 है, इक्वल हो गया। यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 0, तो कौन बड़ा हो जाएगा, 5 वाला बड़ा हो जाएगा, तो कौन बड़ा हो जाएगा, 0.5 ग्रेटर देन 0.05। समझ में आ गया आपके, क्या करा मैंने, पहले मैंने दोनों साइड देखा, इक्वल था, यहाँ 0 था, यहाँ भी 0 था, उसके यहाँ कितना था 5 था, लेकिन यहाँ पे वो कितना था 0 था, सिंपल सी बात है, 5 बड़ा होता है, बड़ा हो गया। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है, देखो 3.568 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे को लिख रखा है सेम 123.056, ये लिख रखा है। अब हमने कंपेयर करना है दोनों में कौन सा बड़ा होगा, पहले 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 इक्वल है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 इक्वल है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 इक्वल है, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट सेम यहाँ तक का इक्वल है, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना 0, कौन बड़ा हो जाएगा, 5 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 5 बड़ा होता है। तो ऐसे हम लोग इसको कंपेयर करके देख सकते हो आप लोग, ठीक है, कि पहले स्टार्टिंग से देखते हुए चलो। जैसे मान ये यहाँ लिखा है 8.568, यहाँ लिख रखा है 658.952956। अब हमें पता नहीं कि कौन सा बड़ा है, अगर देखना चाहो तो 6 से 6 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 8 यहाँ भी, लेकिन जैसे पॉइंट यहाँ, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 9, तो 9 बड़ा है, तो 9 बड़ा। एक तो ट्रिक ये है कि एक एक नंबर करके पकड़ के चलो और देख लो। दूसरी ट्रिक क्या हो सकती है, 5, 6, 5, 58 यहाँ भी है, यहाँ भी इतना एक पोर्शन सेम है, हमें पता है कि 256, 956 कौन सा बड़ा होता है, 956, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आपके लिए डेसिमल कुछ नया आता है, पहली बार आप लोग देखते हैं इसको, लेकिन इसमें कितना कुछ होता नहीं है। इसके बाद सेकेंड पार्ट होता है इसका, इसमें बोला है 0.7 और 0.5, फिर से सेम 0 इस साइड भी, 0 इस साइड भी, 5 7 यहाँ, यहाँ कितना 5, कौन बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है, तो ये सिंपल सी बात है, 0.7 ग्रेटर देन 0.5। ऐसे ही बाकी आप बनाएंगे दो और जो बाकी हैं उनको आप बनाएंगे। मैं इसका लास्ट वाला पार्ट बता दे रहा हूँ, सिक्स पार्ट देखें तो ये बोल रहा है 0.8 और 0.88, इसमें पूछ रहे हैं कंपेयर करने के लिए, 0 यहाँ भी, 0 यहाँ भी, पॉइंट यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, लेकिन यहाँ 8 है, यहाँ पर वो क्या होगा, पॉइंट के बाद अगर कुछ नहीं होता तो हम लोग क्या मान लेते हैं 0, तो इसको क्या मान लूँगा मैं, 0 इसके पीछे लगा सकते हैं हम लोग, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। या मैं लिखूँ 0.080 लिखूँ, या इसको लिखूँ 0.8, एक ही बात है, जैसे हम लोग लिखते हैं 08 और 8 दोनों सेम होते हैं, सेम ऐसी पॉइंट में पीछे 0 लगाने से कोई वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती है, लेकिन पॉइंट में आगे 0 लगाने पे वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर मैं लिखूँ 0.8 और मैं लिखूँ 0.08, बहुत अंतर है इन दोनों में, ठीक है, ये आपस में इसमें आपने वैल्यू इसकी चेंज कर दी है। लेकिन आप इसी की जगह 0.8 की जगह आप इसको क्या लिख सकते थे, 0.80 लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया, इसको मैंने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया और 0.88। अब आप कंपेयर इजीली कर सकते हैं, 0, 0, 8, 8, यहाँ 0, यहाँ कितना 8, कौन सा बड़ा हो जाएगा, 0.80 लेस देन 0.88, ऐसे कर सकते थे। इससे पहले वाला फिफ्थ वाला भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ था 0.30 और इसमें था और
2.30 इन दोनों में कंपेयर करना था, तो आप इन दोनों में देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ 0, यहाँ कितना 3, सिंपल यहीं पे को हमने एंड कर दिया, कितना हो गया, यहाँ को 0 था, यहाँ कितना था 3, तो कौन सा ग्रेड हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके लास्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, हमने पहले ओवर कर, या फिर 2 यहाँ से रेज कर लेते, 2 यहाँ से रेज कर देते, कितना बनता, ये 0.3 होता और ये कितना था 30, तब भी कौन सा बड़ा था, यही वाला बड़ा था, ठीक है, तो मतलब ये क्या था 3 पॉइंट ये और ये था, तो हम लोग क्या कर देंगे इसमें कंपेयर करेंगे, तो 3.03 लेस देन 2.30, ठीक है, इसके लगभग मैंने सारे पार्ट बता दिए, थर्ड बच गया वो भी बता ही देता हूँ फिर हम, तो थर्ड हमारे पास बच गया है, इसमें हमने क्या था 7 और 0.7 में हमने कंपेयर करना था, अब देखो इसमें तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है 0 है, अगर मैं 7 को और क्या लिख सकता हूँ, मैं 7.0 लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, अभी बोल चुका हूँ मैं, तो 7 पॉइंट के बाद 7 की कोई पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है ये कितना लिखा मैंने 7 लिखा, अगर मैं लिखता हूँ 6 और या मैं लिखता हूँ 6.00 कुछ भी लिख दो पॉइंट का, तो कोई जितने भी 0 लिखा है किसी की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब वो 6 ही है, ठीक है, तो ऐसे ही 7.0 लिख सकता हूँ मैं इसको, और क्या लिख सकता हूँ इसको 0.7 लिख सकता हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये बन गया 7, यहाँ पे को 0, कौन बड़ा हो गया 7 बड़ा हो गया किससे 0.7 से, ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज अ रुपीज इन अ डेसिमल, ये किसको कल देखते हैं, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।